कला और वाणिज्य की क्लास में, ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने दीप्ति शर्मा, आपको पहले राष्ट्रीय आय लेखांकन के बारे में बताया था, तो दादा भाई नौरिया जी ने राष्ट्रीय आय का क्या किया, शुभारंभ किया, उन्होंने सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना की, फिर आपने उसकी उसमें विधियों के बारे में पढ़ा कि विधियाँ राष्ट्रीय आय गणना की कितनी विधियाँ हैं। मैंने आपको बताया था तीन विधियाँ हैं, उत्पादन आय विधि, आय विधि, व्यय विधि। तो ये तीन विधियाँ हैं। इन तीन विधियों के बाद मैंने आपको उत्पादन विधि के बारे में बताया था, उत्पादन विधि कैसे ज्ञात की जाती है। फिर दोहरी गणना की समस्या, तो राष्ट्रीय आय में दोहरी गणना की भी समस्या है। इस विधि के अनुसार राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते समय दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न हो जाती है, मतलब आप वस्तु के मूल्य की गणना एक से अधिक बार किए जाने की आशंका से होता है, मतलब कोई वस्तु है उसकी गणना दो बार करनी, उसे कहेंगे दोहरी गणना। मतलब राष्ट्रीय आय में केवल अंतिम वस्तुओं के मूल्य को ही जोड़ा जाता है, अंतिम वस्तु की पहचान करना कठिन होता है क्योंकि प्रत्येक उद्यम द्वारा उत्पादित वस्तु और सेवाओं उनके लिए अंतिम वस्तुएं होती हैं। फिर दोहरी गणना समस्या से बचने के लिए उपाय, तो केवल अंतिम वस्तु का मूल्य जोड़ा जाता है, मतलब जो वस्तु अंतिम वस्तु है, मतलब कोई वस्तु बनाई अपन ने उसका बिल्कुल अंतिम रूप, तो कहेंगे अंतिम वस्तु को का मूल्य जोड़ा जाता है। फिर है मूल्य वृद्धि। मूल्य वृद्धि विधि के अंतर्गत प्रत्येक उद्यम द्वारा की गई मूल्य वृद्धि को जोड़ा जाता है। इसे मूल वृद्धि में से आशा है कि उत्पादन की प्रत्येक अवस्था में उद्यम द्वारा मतलब जो उद्यम होता है उसके द्वारा वस्तु के मूल्य में की जाने वाली वृद्धि। मूल्य वृद्धि के अंतर्गत एक लेखा वर्ष में एक देश के घरेलू सीमा के प्रत्येक उद्यम द्वारा की गई मूल्य में वृद्धि के आधार पर घरेलू उत्पादन की गणना की जाती है, मतलब हम कोई वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं तो उस वस्तु का उत्पादन करने के लिए कितना व्यय आया और फिर उस व्यय को लेकर वस्तु का क्या किया जाता है, मूल्य निर्धारण किया जाता है। मूल्य वृद्धि के कदम, मूल्य के अनुसार राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं, मतलब जो मूल्य वृद्धि है उसके अनुसार राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए। पहला है उत्पादक उद्योगों की पहचान एवं उनका वर्गीकरण। इस विधि में सर्वप्रथम विभिन्न उत्पादक उद्योगों की पहचान कर ली जाती है, फिर उन्हें निम्नलिखित वर्गों में बांटा जाता है। तो उद्यम जो वर्ग बांटे हैं वो है प्राथमिक क्षेत्र, जैसे मछली पालन, पशुपालन, कृषि, ये सब आ जाते हैं। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण आ जाता है द्वितीय क्षेत्र में। तो ये तीन क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर वस्तुओं के उत्पादन से, तो वस्तु कोई भी मतलब जो प्राथमिक क्षेत्र है उसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले वस्तु का उत्पादन किया जाता है, उसमें प्राकृतिक साधनों का प्रयोग किया जाता है, मतलब अपन कोई वस्तु, तो आपको मैंने बताया था अभी वस्तु प्राकृतिक संसाधन मानो भूमि, पूंजी, श्रम, ये सब श्रम प्राकृतिक संसाधन, वो मानव निर्मित संसाधन है ना। तो इन संसाधनों के बिना कोई भी कार्य उत्पादन, मतलब कोई भी वस्तु का उत्पादन नहीं। अगर आपके पास भूमि नहीं है तो आप मशीनरी कार्य में लगाएंगे, मशीनरी नहीं रहेगी तो आप मतलब उत्पादन कैसे करें। तो सबसे पहले प्राकृतिक संसाधन का प्रयोग किया जाता है कार्य में, प्राथमिक क्षेत्रों में। इसमें कृषि, कृषि के लिए क्या आवश्यक है, भूमि एवं संबंधित क्रियाएं जैसे पशुपालन, मछली पालन, वन खनन, उत्खनन आदि की क्रियाएं होती हैं। चाहे कौन से किस क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र में। आप पशुपालन भी करोगे तो भूमि भी करोगे ना, हवा में तो करोगे नहीं है ना बेटा, इसलिए ये सब प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं, भूमि, जल और मानव। तो पशुपालन मानव करेगा, मछली पालन जल में होगा वो भी मानव करेगा, खनन उत्खनन भी है तो प्राकृतिक चीज़ें हैं पर उसका मतलब मानव के द्वारा ही उन पर क्रियाएँ करेंगे, तो वो सब चीज़ें क्या में आती हैं, प्राथमिक क्षेत्र में आती। उसी प्रकार बेटा है द्वितीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र में जो कच्चे माल से विनिर्मित माल है।
क्षेत्र जो कच्चे माल में निर्मित माल में परिवर्तन करता है, वैद्युतिक, जो मतलब अपन कच्चा माल है। अभी मैं आपको एक उदाहरण दूँ, जैसे धागा है, धागा कच्चा माल है, नहीं कपास कच्चा माल है, सॉरी, कच्चे माल को निर्मित माल में परिवर्तन करता है वह द्वितीय क्षेत्र। कच्चा माल क्या है? कपास। कपास को अपन धागे वाले को बेचेंगे तो वह क्या करेगा, उस कपास का धागा बनाएगा, और धागे वाले किसको बेचेगा, कपड़े वाले को बेचेगा, तो वो क्या बनाएगा, कपड़ा बनाएगा। तो इस क्षेत्र में कच्चे माल को निर्मित माल में परिवर्तित करना द्वितीय क्षेत्र कहलाते हैं। उदाहरण के लिए सूती धागे का सूती कपड़े में बदलना। फिर जैसे गन्ना है मान लीजिए, तो गन्ना क्या है, कच्चा माल है, और वह चीनी का उत्पादन करता है, तो वह क्या हो गया, निर्मित परिवर्तित माल में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे लकड़ी मान लीजिए, लकड़ी है, पर लकड़ी से क्या बनता है, फर्नीचर बनता है, तो लकड़ी से फर्नीचर बनना आदि इसके विनिर्माणक क्षेत्र कहलाते हैं, काय के द्वितीयक क्षेत्र। तो द्वितीयक क्षेत्र कच्चे माल को निर्मित माल में परिवर्तित करना द्वितीयक क्षेत्र कहलाते हैं। इसी प्रकार है मूल्य वृद्धि की गणना करना। मूल्य वृद्धि की गणना करना, प्रत्येक उद्यम द्वारा शुद्ध मूल्य की गणना करने के लिए निम्नलिखित अनुमान लगाए जा सकते हैं। तो पहला है उत्पादन का मूल्य, दूसरा है मध्यवर्ती उपभोग का मूल्य, फिर अस्थायी पूंजी का उपभोग। प्रत्येक उद्यम के उत्पादन की मात्रा को उपयुक्त बाजार कीमत से गुणा करके, मतलब जो उद्यम के उत्पादन की मात्रा है उसे बाजार कीमत से गुणा करने से उत्पादन का मूल्य ज्ञात किया जा सकता है। फिर मध्यवर्ती उपभोग का आकलन उद्यम द्वारा अदा की गई कीमत से किया जाता है, मतलब जो मध्यवर्ती वस्तु हैं उनका उपभोग का आकलन कौन करेगा, उद्यम द्वारा अदा की गई कीमत से किया, मतलब कोई वस्तु है उसका उत्पादन हुआ, उसको उपभोग करने के लिए अपन ने खरीदा, तो उसको उद्यम द्वारा अदा की कीमत से किया जाता है। फिर है स्थायी पूंजी के उपयोग का आकलन नियमों और अधिनियमों के अनुसार किया जाता है, मतलब जो स्थायी पूंजी है उनका आकलन और नियमों और अधिनियमों के अनुसार उनका क्या किया जाता है, आकलन किया जाता है। उद्यम द्वारा शुद्ध मूल्य वृद्धि ज्ञात करने के लिए लिखित में उत्पादन के कई मूल्य को हटाना होगा। एक क्षेत्र के सभी उत्पादक, मतलब जो एक क्षेत्र है उसके सभी उत्पादक उद्योगों द्वारा शुद्ध मूल्य वृद्धि के योग के द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में कुल शुद्ध मूल्य वृद्धि प्राप्त होती है। इसके अंतर्गत घरेलू सीमा के अंतर्गत सभी औद्योगिक क्षेत्रों को द्वारा शुद्ध मूल्य के योग को हम साधन लागत व शुद्ध लागत मूल्य प्राप्त होता है, मतलब शुद्ध मूल्य के योग से हमें क्या प्राप्त होता है, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पादन प्राप्त होता है। विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय की गणना मूल्य वृद्धि द्वारा राष्ट्रीय आय के आकलन में तीसरा व अंतिम अवस्था विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन और आकलन का करना, मतलब विदेशों से प्राप्त जो शुद्ध आय की गणना है वह मूल्य वृद्धि द्वारा राष्ट्रीय आय के आकलन में, फिर तीसरा व अंतिम अवस्था कौन सी होती है, प्राप्त शुद्ध साधन के आकलन से उसे शुद्ध घरेलू उत्पादन से क्या करते हैं, फिर जोड़ देते हैं, इससे हमें राष्ट्रीय आय की प्राप्ति होती है। फिर है साधन लागत व शुद्ध आय। साधन लागत व शुद्ध घरेलू उत्पादन, मतलब जो साधन लागत है तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पादन, मतलब जो साधन लागत है उससे अपन ने कौन, मतलब सकल घरेलू उत्पादन क्या किया, धन विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन, मतलब जो और विदेशों से अपन को प्राप्त हुए वह शुद्ध साधन। तो ये साधन लागत को शुद्ध लागत प्राप्त करने का फार्मूला है। उसके बाद है बेटा आपको उत्पादन विधि से संबंधित सावधानियाँ। तो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र में उत्पादित वस्तुएं अंतिम गणना, सेवाओं के बाजार मूल्य के योग को सकल उत्पादन गणना।
अर्थव्यवस्था में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग होता है। मतलब जो राष्ट्रीय आय है एक अर्थव्यवस्था में उत्पादित, मतलब जो अर्थव्यवस्था है उसमें उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का क्या होता है, योग होता है। मध्यवर्ती वस्तुएं एवं सेवाओं के उपभोग उपयोग की राष्ट्रीय आय भी शामिल नहीं किया जाता। अतः वस्तु और सेवाओं के मूल्य वृद्धि ज्ञात करने से हमें इसके समय बाजार मूल्य वृद्धि मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य घटाया जाता है। इस प्रकार शुद्ध मूल्य वृद्धि प्राप्त होती है। फिर है पुरानी वस्तुओं के क्रय विक्रय से राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता। मतलब जो पुरानी वस्तुएं होती हैं उनके क्रय विक्रय से भी इस गणना में शामिल नहीं किया जाता। इसका कारण है कि किसी वस्तु का उत्पादन नहीं होता, उसे सकल राष्ट्रीय उत्पादन में जोड़ा जाता है। फिर है अवैध कार्यों से प्राप्त, मतलब जो अवैध कार्य होते हैं तस्करी, जुआ, नकली शराब, ये सब बनाने के बाद जो आय प्राप्त होती है वह भी राष्ट्रीय आय में क्या होती है, शामिल नहीं होती। सकल राष्ट्रीय उत्पादन में शामिल नहीं किया जाता। राष्ट्रीय आय में शामिल केवल वैध क्रियाओं से प्राप्त आय को शामिल किया जाता है। मतलब राष्ट्रीय आय जो होती है उनमें केवल वैध क्रियाएं जो होती जिनको शामिल किया जाता है। फिर स्व उपभोग के लिए किया गया उत्पादन के लिए उत्पादन बाजार में मूल्य राष्ट्रीय आय में क्या होता है, शामिल किया जाता है। फिर है उद्योगों, सरकार और परिवार, मतलब जो उद्योग होते हैं वो सरकार और परिवार द्वारा अचल संपत्ति का क्या होते हैं, स्वालेखा उत्पादन भी राष्ट्रीय आय से जोड़ा जाता है। सातवां है सरकारी क्षेत्रों में शुद्ध मूल्य वृद्धि कर्मचारियों के पारस्परिक के बराबर होती है। फिर इसके बाद है बेटा गृह कार्य आपके लिए, तो राष्ट्रीय आय गणना विधि कितने प्रकार की होती है, तो राष्ट्रीय आय गणना विधि कितने प्रकार की होती है बेटा, तीन प्रकार की होती है। फिर दोहरी गणना की क्या समस्या है, फिर उत्पादन विधि से संबंधित सावधानियों को बताइए। तो ये प्रश्न उत्तर हैं, आपको तीनों प्रश्न उत्तर आपके आज के पीडीएफ में हैं, आप देखेंगे और कॉपी में लिखेंगे और उनको हल करेंगे। धन्यवाद।